बॉलीवुड हो या फिर टीवी, इस पूरे हिंदुस्तान में प्रशंसकों के बीच, अपने चाहने वाले लाखों लाखों लोगों के बीच सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ आंसू बनकर निकल रहे हैं। सिद्धार्थ की यादें सिर्फ और सिर्फ आंसू ही दे रही है। सिद्धार्थ से जिंदगी की जुड़ी हुई वो बातें आज उनका परिवार साझा तक नहीं कर पा रहा। सिद्धार्थ के चौथे के बाद उनके परिवार की हालत ऐसी है कि उसने सिर्फ रिक्वेस्ट की है परिवार ने कि सिद्धार्थ अपनी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देते थे। उम्मीद की जा रही है कि उनके परिवार वालों की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट दिया जाएगा और ऐसे ग्रीविंग मोमेंट में, यानी कि ऐसे शोक के समय में, लोग समझें कि वो किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। सिद्धार्थ की माँ रीता शुक्ला को अपनी माँ कहने वाली, मम्मी कहने वाली शहनाज खुद भी पूरी तरह से टूटी है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे, सिद्धार्थ भले ही हमारे बीच ना हो, सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी 40 साल की जिंदगी में स्ट्रगल से लेकर कामयाबी के सफर में करोड़ों की संपत्ति कमाई। आज वो संपत्ति दो हिस्से में बटेंगी। हाँ, सिद्धार्थ के अपने भाई नहीं, लेकिन वो बहनें हैं जिनके नाम सिद्धार्थ की संपत्ति बटेगी। सिद्धार्थ की बहन रिया खास तौर पर उनकी काफ़ी करीब रही हैं और उनके परिवार में रिया उनकी काफ़ी चहेती है। तो उनकी बहनों के लिए, सिद्धार्थ की बहनों के लिए कितनी संपत्ति सिद्धार्थ छोड़ गए हैं, जरा जानिए इस खास रिपोर्ट में। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन हो जाने के बाद अब उनकी संपत्ति को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। हम आपको पहले तो ये बताना चाहेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, इसी वजह से धन संपत्ति, चल और अचल जो उनके पास संपत्ति थी, वो टोटल उनकी संपत्ति जो है उनके नाम थी। ऑलरेडी उनकी कमाई हुई संपत्ति के अलावा परिवार में उनके पिता और उनके परिवार की संपत्ति, सिद्धार्थ शुक्ला के पास 8.80 करोड़ रुपए की संपत्ति अपनी थी। सालाना इनकम इनकी इतनी होती थी, साल भर में इतने पैसे वो कमा लेते थे और महीने में 10 लाख रुपए होती थी उनकी कमाई। करोड़ों की उनकी सैलरी थी। अब अपनी संपत्ति जो उन्होंने करोड़ों करोड़ों की अपने परिवार के लिए छोड़ दी है, यह आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने परिवार के लिए करोड़ों रुपए और आलिशान घर ये छोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी को अलविदा कहकर। 40 की उम्र में निधन हो जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के घर परिवार वाले ही हैं, अब उनकी माँ हैं, उनकी बहनें ही हैं जिनके लिए सिद्धार्थ का ये संपत्ति है जो उन्होंने हर दिन कमाया। कई प्रोजेक्ट्स जिनके पास आते थे, वो सिद्धार्थ ने आलिशान घर बनवाया था जहां वो अपना घर बसाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा मुँह मोड़ा कि उनका ये सारा सपना टूट कर बिखर गया। आज हम आपको बताना चाहेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने ये आलिशान घर अपने परिवार वालों के लिए छोड़ा, उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी थी जो कि अपने परिवार के लिए अब छोड़ कर वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। ये करोड़ों की संपत्ति अब उनकी दोनों बहनों में बटेगी, ये अंदाज़ा लगाया रहा है, क्योंकि भाई की संपत्ति में बहनों का पूरा हक है। सिद्धार्थ के पास करोड़ों रुपए की अपनी संपत्ति, अपनी कमाई हुई, फिल्मों की दुनिया में आने के बाद हुई कमाई, मॉडलिंग से लेकर अब तक बतौर एक्टर के सफ़र के दौरान की कमाई है जो उन्होंने इकट्ठा किया था माँ रीता शुक्ला के बुढ़ापे में लाठी बनने के लिए। पुलिस ने इस पर कहा था कि अब तक जानकारी नहीं मिली कि वजह असली क्या थी। अब परिवार के साथ मुंबई में रहने वाले सिद्धार्थ शुक्ला की कमाई का बड़ा हिस्सा टेलीविज़न शो और बड़े प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन थे, और इसे लेकर वो लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे थे और मेहनत के बलबूते, खूब काम करने के बलबूते उन्होंने ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारी। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के पास जो बेशुमार दौलत और काफ़ी ज़्यादा शौकीन वो रहा करते थे, वो सारे शौक़ की वजह से आज उनके परिवार के पास वो सब कुछ है जो सिद्धार्थ ने अपने लिए बनाया था। खड़े किए थे उन्होंने इतने बड़े दौलत को क्योंकि वो अपने परिवार में किसी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस करने देना चाहते थे। एक समय था जब सिद्धार्थ का परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था, उनकी माँ मेहनत कर रही थी पिता के चले जाने के बाद, इसलिए सिद्धार्थ ने चाहा कि उनकी बहनों और उनकी माँ को किसी चीज़ की कमी ना हो।
सिद्धार्थ के जाने के बाद ना तो सिद्धार्थ के पिता है ना तो सिद्धार्थ का कोई दूसरा भाई, इसी कारण से सिद्धार्थ की बहनें हैं जिनमें उनकी संपत्ति बराबर में बांटी जाएगी। मुंबई के पॉश इलाके में जो उनका आलीशान घर है उनके घर का भी दो हिस्सा होगा, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एक्टर को मोटर बाइक्स के बहुत शौक थे, हार्ली डेविडसन, फैट बॉब मोटरसाइकिल, BMW Z5 जैसी कारें और बाइक्स में सिद्धार्थ शुक्ला के पास अपनी मौजूद थी, जो उन्होंने अपने शौक के बाद खरीदे। बिग बॉस सीजन 14 का हिस्सा भी वो रह चुके थे और आपने देखा था गुस्सैल अवतार में उन्हें देखा गया था। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ये कई लोगों को नहीं मालूम कि ये उन्होंने अपने लिए जो सपने देखे थे वो सपने उन्होंने शहनाज के साथ भी देखे थे। बहुत रॉयल लाइफ मेंटेन करते थे सिद्धार्थ शुक्ला शुरू से ही, और इसलिए इस रॉयल लाइफ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने घर में किसी तरह की कमी नहीं रखी थी। बिग बॉस में भी उन्हें काफ़ी अहमियत दी गई और काफ़ी बड़े रकम को भी उन्होंने जीता था। खिताब जितना उनका मोटो था, लेकिन खुश रहना भी था, और शहनाज की वजह से वे शो में बहुत खुश थे। अपने पीछे करोड़ों करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए सिद्धार्थ शुक्ला की दोनों बहनें, जो काफ़ी टूटी थी। ये तो आपको बता दें कि सीरियल बाबुल का आंगन न छूटे से करियर की शुरुआत करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला को सीरियल बालिका वधू में शिव के रोल से बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला, जिनके पास $1.2 मिलियन की संपत्ति नेटवर्थ के तौर पर रही, यानी कि 8.80 करोड़ रुपए की संपत्ति, इसे हर साल उन्होंने बढ़ाया है अपने शानदार करियर की वजह से। गाड़ी में उनके पास BMW Z5 जैसे लग्जरी गाड़ी थी, इसे मेंटेन में ही लाखों रुपए लगते हैं। इस कार की कीमत 76 लाख रुपये से लेकर 88 लाख रुपये थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि करोड़ों की गाड़ियाँ भी उनके पास थी। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला के पास ब्लैक सफायर फिनिशिंग भी था। सिद्धार्थ के पास बाइक राइडिंग के शौक की वजह से कई महंगे स्पोर्ट्स बाइक भी हुआ करते थे, लाइक हार्ली डेविडसन, और सिद्धार्थ के पास चैरिटी के काम भी थे, इसलिए सिद्धार्थ अपनी संपत्ति को चैरिटी के लिए भी काफ़ी बढ़ा कर रखते थे। यही कारण है कि सिद्धार्थ के पास मल्टी करोड़ रुपये की संपत्ति जो थी ये वो मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से बांट कर रखे थे चीज़ों को। सितंबर 2 को सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो जाने से परिवार पूरी तरह से टूट गया है। अब जो है परिवार में सदस्य सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की अपनी सगी माँ हैं, दो बड़ी बहनें हैं जो कि अपने घर के छोटे भाई को खोकर पूरी तरह से टूटी हैं। जब वो संभलेंगी, वो चीज़ें बदलेंगी, धीरे धीरे वो अपनी सिचुएशन से उभर पाएंगी। ये आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला की बहनें भी इस लाइमलाइट से हमेशा दूर रही हैं। एक सिस्टर है रिया, जिनसे सिद्धार्थ की ज़्यादा बातें हुई हैं, लेकिन दूसरी सिस्टर के साथ उनके रिश्ते खास नहीं रहे ये कहा जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद के कई राज ऐसे खुलकर सामने आए जिस बारे में शायद आप सबको अंदाज़ा भी ना हो। चलिए आज हम आपको ये बता चुके हैं सिद्धार्थ की संपत्ति तो बहनों में बांटी जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का शो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर, और संपत्ति के अब रखवालों को लेकर, नए मालिकों को लेकर। वक्त हो गया है यही इजाज़त लेने का। फिल्मों की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।